हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे बीसीएस 12 का दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका सारा बना के डाल दिया है, वन का ए नंबर पूरा, ठीक है, मतलब वन पूरा, टू का भी पूरा, अभी थ्री का भी मैंने डाल दिया और आज हम देखेंगे थ्री का बी नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 22 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4 और सम दिया हुआ है 64, तो फाइंड एंड करने बोल रहे हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना जून 2021 में भी आया था। और अब अगर आप अभी तक आप ये मेरा दिसंबर 2022 का प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है, वो भी 2 ईयर्स प्रीवियस से ही है। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था जो इससे बाहर आया था प्रीवियस ईयर से, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हो तो आप इनफ मार्क्स ले आओगे और रिपीटेड ही क्वेश्चन रहेंगे अधिकतर। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपको बनाना पड़ेगा अलग से, वरना तो आपको 50 में से 45 क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जून 2021 में आया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि फर्स्ट टर्म ए होता है एपी में, ए इज इक्वल टू 22 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस एपी में डी होता है, डी इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है और सम बोल रहा है 64 दिया हुआ है। तो एपी में सम को लिखते हैं SN, ठीक है, ये 64 दिया हुआ है। अब हम लोग को इसको फाइंड करने बोल रहा है एन को, यहाँ पे सम दिया हुआ है ना, तो सम से ही हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स में क्या होता है, एपी का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पे ये पता है आपको, फर्स्ट टर्म में डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो बस सिंपली हमको 3 का वैल्यू दिया हुआ है, एन फाइंड करने बोल रहा है। एस एन क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, तो 64 लिख दिए इक्वल टू एन बाई टू, एन का फाइंड करना है, एन बाई टू को एन बाई टू करने देते हैं। ए क्या दिया हुआ है, 22 दिया है, तो 2 × 22 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, एन माइनस 1, और बी क्या दिया हुआ है, -4। सिंपल पुट कर दिया, अब बस सॉल्व करना है। तो देखिए, ये एन बाई टू दिया है, ये बाई टू है, हमको हम इसको इधर लेके आ गए, यानी कि 64 × 2 कर दिया, क्या हो गया 128, ये एन का एन हो गया, 2 × 22 42 हो गया, और इसको सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल जो होता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये -4 है ना, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4n माइनस प्लस हो जाएगा और ये +4। ठीक है, ये समझ गए, इसको ऐसे लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, n -1। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4n माइनस +4, तो बस वही लिखे। ठीक है, सिंपल हो गया ये चीज। अब इसको आगे देखिए सॉल्व करते हैं, तो अब इसको और इसको ऐड कर देते हैं, 44 प्लस 4 क्या हो गया, 48 माइनस 4n, तो 4n हो गया सेम। अब देखिए सब सिंपल, अब क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे ये एन को इसके साथ और इसके साथ, तो क्या हो गया, 48n माइनस 4n का स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग कौन सा टर्म में लिख देते, ये देखिए 4n स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, इस पूरा को इस तरफ उठा के ले आएंगे, तो ये -4n इधर आकर क्या हो गया, 4n स्क्वायर माइनस, ये +48 था इधर आके हो गया -48n, और ये प्लस का तो इधर ही है, ये +28 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कौन सा में, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए इस तीनों में से, हाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस, ये इसमें से हो जाएगा 12n प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 इक्वल टू 0, इसमें से 4 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए कॉमन निकालिए, तो अब इस 4 को निकाल के हम लोग इस तरफ इसको डिवाइड में कर देंगे, ये इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में आके 0 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड 0 लो नहीं लिखे, डायरेक्ट 0 हो गया, ये 4 इस तरफ आ गया। ठीक है, अब क्या बचा है हम लोग के पास, एन स्क्वायर माइनस 12n प्लस 32 इक्वल टू 0, ये चीज इसको अब हम लोग बीच से कट कर देंगे, मतलब जो सॉल्व करते हैं हम लोग 8, 9 में करते आ रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, है ना, आप लोग पढ़े होंगे अगर हिंदी में से पढ़े तो, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, वही सॉल्व कर रहे हैं लोग इसको, तो अब 12n को ऐसे तोड़ना है जो ये 32n स्क्वायर आ जाए, तो देखिए 8 × 4 क्या होता है, 32, तो बस इसको ब्रेक कर देंगे इसमें, तो -8n -4n, तो -8n -4n क्या हो गया, -8 -4 -4 क्या आ गया, प्लस, यानी कि 12n ये आ गया, और इंटू करने पे क्या आ जाएगा, 8 × 4 = 32, सिंपल, ये आप लोग को पहले से आता होगा, प्लस 32 = 0। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एन आ जाएगा, तो एन हो गया, और अंदर क्या बचा, एक एन बचा, -8 हो गया, और यहाँ पे भी ये माइनस हो गया, इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, ये अंदर एन बचा,
और ये प्लस, यहाँ पे माइनस निकाले थे तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे अंदर 8 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया n माइनस 8 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के लिए, यानी कि n माइनस 8 इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल टू भी 0। यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 8 और यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 4, यानी कि दो वैल्यू आ गया 8 और 4। तो हम लोग का यही आंसर है, ठीक है। ये फाइंड करने बोला n, यानी कि दो n निकला, एक 8 है और एक 4 है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू आंसर हो गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था 3 का बी नंबर, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।